दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमालय रेनाल्का सिरप के बारे में। इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे, ये जो रेनाल्का सिरप जो होता है पेशाब से संबंधित जो रोग होते हैं उनको ठीक करने का काम करता है, मूत्र मार्ग का संक्रमण यूटीआई जिसको कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसको कह सकते हैं, या किडनी से जुड़ी समस्याएं हैं और किडनी में किसी भी प्रकार का संक्रमण हो गया है, पेशाब में जलन का होना, पेशाब का कम आना, बार बार आना, बूंद बूंद आना, और मूत्र मार्ग के जितने भी संक्रमण हैं इस तरह की कंडीशन है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हिमालय इसको बनाती है जो कि आयुर्वेद की एक जानी मानी कंपनी है और इसे हर्बल जड़ी बूटियों से बनाया गया है। तो बात करेंगे रेनाल्का सिरप के बारे में, डिटेल किस तरह की दवाई है और किन किन बीमारियों परेशानियों के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इसे इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे इसके फॉर्मूले के बारे में कि किन किन जड़ी बूटियों से इसको बनाया गया है। तो दोस्तों इसके अंदर गोक्षुरा का इस्तेमाल किया गया है जिसको गोखरू भी कह सकते हैं, और दोस्तों ये जो गोखरू होता है ये डायुरेटिक होता है, पेशाब को खुलकर लाता है और इसके इस्तेमाल से पेशाब की कई तरह की समस्याएं, पेशाब में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो इस तरह की कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है जो कि इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसके अंदर शतावरी का इस्तेमाल किया गया है, मुस्ता का इस्तेमाल किया गया है, वरुणा और त्रिकटु और सारिवा, ये इन सभी जड़ी बूटियों के मिश्रण से इसे हिमालय रेनाल्का सिरप को जो है तैयार किया जाता है। चलिए बात करेंगे इसके फ़ायदे के बारे में कि क्या क्या इसके फ़ायदे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हिमालय रेनाल्का सिरप अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये मूत्र मार्ग के संक्रमण को ठीक करने का काम करता है, पेशाब करते समय पेशाब में जलन अगर हो रही है, इस तरह की कंडीशन हो रही है आपके साथ में, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। किडनी में होने वाले किसी भी प्रकार के संक्रमण में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये सिरप दोस्तों नेफ्रोटॉक्सिक यानी किडनी में जो बढ़ जाते हैं उस तरह की कंडीशन में भी आपकी परेशानी को में फ़ायदा पहुँचाता है। और ये इसके अलावा दोस्तों यूरिनरी एसिड की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है यूटीआई जिसको बोलते हैं, तो उस तरह की कंडीशन में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये आपका जो किडनी के जो सामान्य कार्य होते हैं उसको बनाए रखने में आपकी मदद करता है, साथ साथ किडनी को साफ भी करता है, फिल्टर करने का काम करता है। अब आपको समस्या हो गई है, मान लीजिए आपको पेशाब बार बार आने की समस्या हो गई है, या आपका पेशाब बूंद बूंद टपक के आता है, ये जलन के साथ में आता है, पेशाब में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, या मसाने में आपके बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, या इसके अलावा आपने एलोपैथिक दवाइयों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, उसके इस्तेमाल से जो आपको पेशाब से संबंधित परेशानियाँ हो गई हैं, तो उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हल्की फुल्की आपको पेशाब के साथ में ब्लीडिंग हो गई है या हल्का फुल्का ब्लड आ रहा है तो भी आप इसे इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन उस तरह की कंडीशन में अगर आपको पेशाब के साथ में खून आ रहा है यानी ब्लीडिंग हो रही है तब आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, नॉर्मली जो है खुद से ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन उन चीज़ों में भी ये फ़ायदा पहुँचा सकता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की मूत्र से संबंधित जो समस्याएँ होती है उसमें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सिरप का इस्तेमाल कैसे करना होता है, तो 5 से 10 ml की इसकी नॉर्मल डोज होती है एडल्ट में, बाकी बच्चों में इसको जो है कम मात्रा में दिया जा सकता है, और पुरुष और महिला इसको सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी प्रेग्नेंट महिलाओं में इस्तेमाल बगैर डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल या अपने वैद्य हकीम की सलाह के बगैर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दिन में 2 बार 5 से 10 ml तक इसको दिन में 2 बार जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, या 3 बार भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 100 ml आपको 85 रुपये में मिल जाएगा और 200 ml का पैक आपको 150 रुपये में किसी भी आयुर्वेदिक दवा दुकान से या फिर ऑनलाइन भी आप इससे परचेज कर सकते हैं। तो ये था वीडियो दोस्तों हमारा हिमालय रेनाल्का सिरप के बारे में। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।